की राजपूत, मेरे पिताजी का नाम राकेश राजपूत है, मेरा स्थान माधव प्रदरी नंबर 4 है, मैं बीएससी की सेकेंड ईयर छात्रा हूँ। मेरे पास मताधिकार देने का मतदान नहीं था, मेरे परिवार वाले जब मतदान देने जाते थे तो मुझे भी लगता था कि मैं भी मतदान दूँ। आज मैं 18 साल की हो गई हूँ और मुझे आज वोटर कार्ड मिल गया है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरे देश की तरक्की पर ले जाएगा मैं उसी को ही वोट दूंगी, सो आज मैं बहुत खुश हूँ। रखा गया नहीं है मतदाता भरे, सशक्त, सुरक्षित, सतर्क और जागरूक। आप में से काफी लोग यह जानते होंगे कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत को गणतंत्र घोषित करने से एक दिन पहले अर्थात 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तब से 70 साल से अधिक का समय बीत चुका है। लोकसभा के 17वें आम चुनाव के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के अनेक चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी और सुगम रूप से आयोजित किए जाते रहे। कोविड-19 महामारी ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है, वह है सुरक्षित चुनाव। मतदाता के स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा उनके मताधिकार के संविधान आयोग के लिए वास्तव में ये कठिन चुनौती थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और सभी स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करके महामारी के बीच चुनाव कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग और मतदाताओं की एक दूसरे के प्रति आस्था और विश्वास बिहार चुनाव में पूरे जोर शोर से दिखाई दिया। इस चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव और यहाँ हो सके। धन्यवाद। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए।
देश के अमर शहीदों के बलिदानों का स्मरण कर अश्रु पूरित होने का ये दिवस है। अधिनियमित संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मा प्रेरित होने का ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी उस कालखंड के साक्षी हैं जब भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों की 75वीं वर्षगांठ की आनंदकारी मेला निकट है। यदि स्वतंत्रता देह है तो गणतंत्र की आत्मा है। मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम शश्यामलाम मातरम। वंदे यामिनी उल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे चलामियां दो।
जैसे थे। ध्वज गीत शुरू करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब हो वे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्रम रावण उत्कल गंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलज तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ राशि मांगे, गाए तब जय दाता, गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं मंगल। प्रदेश के यशस्वी जननायक के संकल्पों और सपनों के अनुरूप हमारे इस परेड का नेतृत्व संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम, आजादी पाने के बाद और अपने संविधान को लागू करने के बाद प्लाटून का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, संयुक्त प्लाटून हमारे इस परेड में हिस्सा लेते हुए गौरवान्वित हो रही है। हमारे अतिथि दीर्घा के पास से उपस्थित जन समुदाय सभ्रांत नागरिकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए की शुभकामनाएं प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परेड के निरीक्षण के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हम प्रदेशवासियों के लिए उनके उद्बोधन प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं।
और प्रणाम उनको भी जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। भारत माता के ऐसे सपूत जिन्होंने केवल देश में नहीं विदेश की धरती पर जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के मंत्र का उद्घोष करते हुए अगर देश की पवित्र धरती पर तिरंगा सबसे पहले फहराया था आजाद भारत में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, सभी अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। मित्रों हम ना भूलें उनको जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कोरोना से सफलतापूर्वक मुकाबले के लिए मैं प्रदेश की जनता को सहयोग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। कोविड काल में उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मैंने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। रोड मैप बना दिया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। और मेरे प्रिय प्रदेशवासियों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके सहयोग से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश खड़ा किया जाएगा। चाहे अधोसंरचना का मामला हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सुशासन का सवाल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, रोडमैप मेरा तैयार है। हमारा रोडमैप लक्ष्य तय है और कैसे प्राप्त करेंगे उसका रास्ता भी तय है। आज विंध्य की इस पवित्र धरा पर मैंने तिरंगा झंडा फहराया। रीवा के रीवा जिले के विकास की मैंने चर्चा की है। ये विंध्य की पवित्र धरा को विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। चाहे गांव हो शहर हो उनके विकास का हमारा मास्टर प्लान तैयार है। उत्तर हम तेजी से काम करने वाले हैं। मध्यप्रदेश नई गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन कोरोना से लड़ते लड़ते हमने तय किया कि माफियाओं से भी लड़ा जाएगा और इनको समूल नष्ट किया जाएगा। चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, चिटफंड कंपनियों वाले भोली भाली जनता से पैसा दोगुना तिगुना करने के बहाने ले लिया और खा के भग गए। भावी पीढ़ी को खोखला करने वाले हो, नशे के सौदागर, गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, बेटियों के साथ छेड़खानी करने वाले, लोभ लालच भय प्रलोभन, नाम बदल के धर्मांतरण करने वाले, ये जितने माफिया हैं मध्य प्रदेश की धरती पर साफ कर दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये समाज के दुश्मन है। किसानों के खेतों में भी अनुदान पर सोलर पंप देंगे। समाज के हर वर्ग का कल्याण,